सब्सक्राइब कीजिए एडुजोस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीके कलेक्शन सार संग्रह का ये पार्ट 8 है, 8वां भाग है। इसमें हम आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का पुलिस का एग्ज़ाम हो या जितने जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो ये सीरीज़ हमने शुरू की है जीके कलेक्शन, तो उसका ये 8वां भाग है। आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में टेलीग्राम ऐप है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फेसबुक से जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक हमारी इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, केंद्रीय बजट पेश करने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को। अगला सवाल देखिए, मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, उससे किसको लाभ होता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ऋणी जो डेटर होता है उसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह है लेक सुपीरियर झील। जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होते क्या कहलाती है? यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात नहीं होते हैं उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात और निर्यात नहीं होते। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बुराई थी उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, तो कब पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किया गया था, और नीचे होगा कि किस कंपनी की बुराई करने के लिए दूर करने के लिए किया गया था, तो वहाँ पर कंपनी का नाम होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई को दूर करने के लिए, तो आगे देखिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में 1773, ठीक है, 1773 में हुआ था। उसके बाद देखिए, सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? सरकारी आयोग आपने नाम सुना होगा, तो ये जो है किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो संबंध है उसको, उसका अध्ययन करने के लिए किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। भारत राज्यों का संघ है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है कि भारत राज्यों का संघ है। उसका देखिए, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई नारी की जो कांस्य मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति, तो वो सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, जितना भी हम पार्ट बाई पार्ट बता रहे हैं। लोकतक झील कहाँ स्थित है? लोकतक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नदिया झील से संबंधित हमारा एक पूरा चैप्टर था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहला वीडियो वही है। देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम आपको हर पार्ट बाई पार्ट करा रहे हैं, तो आप रेगुलर हमारे पार्ट्स को देखना ना भूलें। ये जो पार्ट 7 था, इसके बाद पार्ट 8 था, इसके बाद पार्ट 9 लेकर आएंगे हम, इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।